हाय फ्रेंच, मैं आरती। ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंच, आज का जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे मेरे पास मैसेज कमेंट्स आ रहे थे कि जो आपने सी टेट का फॉर्म अभी दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपने भरा, उसमें बहुत सारी मिस्टेक आपसे हुई, गलतियाँ हुई हैं, उनको कब सुधारा जाए, किस तरह से सुधारा जाए। तो देखिए, मैंने कहा था कि सी टेट में जो CBSE आपको एक मौका देगी और वो मौका आपको जो है मिल चुका है। जी हाँ, यदि सी टेट फॉर्म भरने में कोई गलतियाँ हुई हैं तो आप करेक्शन कर सकते हैं, उन्हें सुधार सकते हैं। टाइम बहुत कम रखा गया है और ये आखिरी मौका भी आपको दिया गया है, इसके बाद आपको ये मौका नहीं दिया जाएगा। तो सी टेट फॉर्म में अगर गलतियाँ हुई तो उनको सुधार लीजिए। चलिए आइए, मैं चलती हूँ साइट पर और आपको बताती हूँ कि कहाँ पर जाके आपको क्या करना है, किस तरह से आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इस वक्त हम हैं सी टेट की साइट पे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CBSE की साइट पे, और आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट्स में देखिए। तो यहाँ पे देखिए, आपको स्पष्ट कह दिया गया है, दो चीज़ें यहाँ पे आई हैं। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट कह दिया गया है कि कोई भी इसके बाद आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, किसका, करेक्शन करने का। और आपको करेक्शन कहाँ से करना है, सही कहाँ से करना है, तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है कि ऑनलाइन करेक्शन इन अप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सीटेड December 2019 स्टार्टेड फ्रॉम 4 अक्टूबर, यानी कल से जो है वो शुरू हो चुका है। 10 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है, टाइम बहुत कम रखा गया है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो न्यू विंडो ओपन होगा, यहीं पे आके आपको जो है करेक्शन करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन सीटेड December 2019, यहां पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो जो है वो ओपन होगा। ओके, देखिए ये ओपन हो गया है। तो देखिए यहाँ पे आप जब आप स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पे जाना, इधर से मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, तो आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर फॉर्म जो है वो डालना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे सीटेड December 2019 ऑलरेडी डाला हुआ है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है, फिर जो आपने पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पे फिल करना है, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है, ये कैप्चा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको यहाँ पे फिल कर देना है और साइन इन कर लेना है। जैसे आप साइन इन करेंगे, यदि आप अपना पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड भी है और फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर भी है, दो चीज़ें हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके जो है अपना पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर पा सकते हैं। तो यहाँ पे साइन इन करना है, जैसे ही आप साइन इन करेंगे न्यू विंडो आपके सामने ओपन होगा, उसमें आपका पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक उसी तरह से जिस तरह आपने यहाँ पे फर्स्ट टाइम में जब आपने इस फॉर्म को भरा था यहाँ पे जाके, ठीक है ना। तो जैसे अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो जिसमें भी आपकी मिस्टेक हुई है वहाँ पे जाके अच्छे से एक एक चीज़ को आप चेक कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन में पहले जाएंगे, एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसमें एक एक चीज़ देख लीजिए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है कहाँ पर मिस्टेक हुई है, उसको जाके सही कर दीजिए, और इसके बाद वहाँ पर कन्फर्म पूछेगा, डन ओके कर दीजिए, और इस तरह से आपका जो पूरा फॉर्म है, जो भी आपसे मिस्टेक हुई है वो आप सही कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपने पहले फॉर्म भरा था वही प्रोसेस होगी, ठीक है। तो ये अच्छा आपके लिए मौका है, लास्ट डेट का ध्यान रखिएगा, 10 अक्टूबर जो है लास्ट डेट है। ऑलरेडी आज 5 अक्टूबर हो चुकी है, यानी 5 दिन बचे हैं, अभी आपके पास मौके हैं इसको करेक्शन को, अपनी गलतियों को सुधारने का, इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। और यदि आप सी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं और आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, यदि आपने फॉर्म में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। चलिए फिर, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।